नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद और मंत्रियों ने गुरुवार को देश भर में उपवास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास के साथ आए दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। बीजेपी नेताओं के मुताबिक उन्होंने उपवास के जरिए जनता को बताया कि किस तरह विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र में कामकाज को बाधित कर देश के विकास को रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद एक दिन के उपवास पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपवास रखते हुए चेन्नई का दौरा भी किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में बीजेपी नेताओं के साथ उपवास रखा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में उपवास रखा। जिस प्रकार के इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को आज विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में दिखाया है, उसका प्रोटेस्ट हमने कैसे किया? हमने कहा हम इस दौरान जब पार्लियामेंट नहीं चली हम अपना भत्ता नहीं लेंगे। जिस तरीके का दोहरा चरित्र कांग्रेस ने दिखाया है वो जनता के बीच जाना आवश्यक है और जनता को पता चले कि किस प्रकार से इस तरीके की भ्रमित राजनीति देश में की जा रही है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बेंगलुरु में अनशन किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में अनशन किया तो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उपवास पर रहे। जिस प्रकार से संसद का बजट सत्र एक महीना नहीं चलने दिया गया, जिसमें प्रमुख भूमिका कांग्रेस पार्टी की थी, हमें पीड़ा है। हम देश की स्थितियों की चर्चा करना चाहते थे, देश के लिए बड़े बड़े कानून पास करना चाहते थे। कांग्रेस के और अन्य विपक्ष के नेता जो जाकर के बाहर संसद के ये कहते हैं कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध ईमानदारी से कार्रवाई नहीं कर रही, वही नेतागण जब संसद के भीतर पहुंचते हैं तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून को ना आ पाए उसके लिए षड्यंत्र रचते हैं। पूरे समय सरकार कहती रही कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, तो इसका मतलब साफ था, उनको पता है कि अगर चर्चा होती तो जनता को पता चलता सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, विकास क्या है, किन अच्छे कार्यों के लिए पैसा लग रहा है, ये वो नहीं चाहते थे कि जनता को पता लगे। इसके अलावा दूसरे केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों ने भी अन्य शहरों में उपवास किया। 6 अप्रैल को खत्म हुए बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा में महज 4% और राज्यसभा में महज 8% कामकाज हुआ था। संसद का सत्र इसलिए बुलाया जाता है कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए नए कानून अमल में लाए जा सके, लेकिन इस बार देखा गया कि संसद का सत्र चला ही नहीं और जनता का पैसा बर्बाद हो गया। ऐसे में सरकार ने इसके पीछे विपक्ष को जिम्मेदार माना और एक दिन का उपवास रखा। कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।